लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल इलेक्ट्रिक बस की सवारी की और राजभवन से लेकर वो त्रिकुटा नगर तक गए। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इलेक्ट्रिक बसेस में बैठने का मौका मिलेगा। इसी के चलते जो इन इलेक्ट्रिक बसेस के रूट्स हैं वो नोटिफाई कर दिए गए हैं और इन इलेक्ट्रिक बसेस में कुल मिलाकर 31 लोगों की बैठने की जगह होगी। किन किन रूट्स पर ये बसेस चलेंगी, आइए सबसे पहले आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहला जो रूट रहेगा वो आमफला से लेकर शास्त्री नगर तक का रहेगा और इसकी टाइमिंग्स जो रहेंगी वो सुबह 8 बजे रहेगी, उसके बाद 9:30 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12:30, उसके बाद 2 बजे, 3:30 बजे, 5 बजे और 6:30 बजे। ये रहा पहला रूट। उसके बाद दूसरा रूट जो रहेगा इन इलेक्ट्रिक बसेस का वो आमफला से लेकर बड़ी ब्राह्मणा तक का रहेगा और इसकी जो टाइमिंग्स रहेंगी वो भी सुबह 8 बजे से शुरू होंगी, फिर 10 बजे, उसके बाद 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे और आखिर में 6 बजे जो इसकी आखिरी टाइमिंग्स रहेंगी। तीसरा जो रूट रहेगा वो रेलवे से लेकर जानीपुर तक का रहेगा जिसकी टाइमिंग्स जो रहेंगी वो सुबह 8 बजे से लेकर पहली टाइमिंग्स जो होंगी वो सुबह 8 बजे होगी, उसके बाद 9:30 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12:30 बजे, उसके बाद 2 बजे, 3:30 बजे, 5 बजे और 6:30 बजे। उसके बाद जो अगला रूट रहेगा वो आमफला से लेकर आरसपुरा तक का रहेगा और सुबह 8 बजे से शुरू होगा, फिर 9:30 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12:30 बजे, 2 बजे, 3:30 बजे, 5 बजे और आखिर का जो टाइमिंग रहेगा वो 6:30 बजे का रहेगा। उसके बाद आमफला से उसके बाद पंचतीर्थी से लेकर सैनिक कॉलोनी का रूट रहेगा और बसेस की जो टाइमिंग्स रहेंगी वो भी सुबह 8 बजे शुरू होगी, उसके बाद 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर दोपहर के 2 बजे, फिर 4 बजे और शाम को 6 बजे आखिर की टाइमिंग्स रहेंगी। उसके बाद आमफला से लेकर स्क्वास्ट तक जो अगला रूट है वो रहेगा और बसेस की टाइमिंग्स भी वही रहेंगी, सुबह 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, यानी कि जो टाइमिंग्स हैं वो मोस्टली जो है वो सेम ही रहेंगी। उसके बाद जो अगला रूट रहेगा वो इंदिरा चौक से लेकर जगती तक का रहेगा जिसकी टाइमिंग्स रहेंगी सुबह 8 बजे, 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे और फिर शाम के 6 बजे। अगला जो रूट रहेगा इन इलेक्ट्रिक बसेस का वो पंचतीर्थी से लेकर गोल गुजराल तक का रहेगा और टाइमिंग्स जो रहेंगी वो होंगी सुबह 8 बजे, 9:30 बजे, 11 बजे, 12:30 बजे, 2 बजे, 3:30 बजे, 5 बजे और 6:30 बजे। उसके बाद बस स्टैंड से लेकर अखनूर तक भी ये इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो चलेंगी जिनकी टाइमिंग्स रहेंगी सुबह 8 बजे, 11 बजे, 2 बजे और आखिरी जो टाइमिंग रहेगी वो शाम के 5 बजे रहेगी। उसके बाद पंचतीर्थी से लेकर बहुफोर्ट तक का जो है इलेक्ट्रिक बसेस जो ये रूट है वो तय करेंगी। टाइमिंग्स रहेगी सुबह 8 बजे, 9:30 बजे, 11 बजे, 12:30 बजे, 2 बजे, 3:30 बजे, 5 बजे और लास्ट में 6:30 बजे। फिर आमफला से लेकर भटिंडी तक जो है वो रूट रहेगा और टाइमिंग्स रहेंगी 8 बजे, 9:30 बजे, 11 बजे, 12:30 बजे, 2 बजे, 3:30 बजे, 5 बजे और लास्ट जो टाइमिंग्स रहेंगी वो रहेंगी शाम के 6:30 बजे। उसके बाद जीवल चौक से लेकर मिश्रीवाला तक का रूट रहेगा और टाइमिंग्स रहेंगी 8 बजे, 9:30 बजे, 11 बजे, 12:30 बजे, 2 बजे, 3:30 बजे, 5 बजे और शाम के 6:30 बजे। उसके बाद अगला रूट रहेगा आमफला से छन्नी हिम्मत तक, टाइमिंग्स वही मोस्टली सेम ही रहेंगी 8 बजे, 9:30 बजे, 11 बजे, 12:30 बजे, 2 बजे, 3:30 बजे, 5 बजे और 6:30 बजे। फिर रेलवे से भी ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं ये जो इनका रूट है वो रेलवे से सिद्रा हॉस्पिटल विया पंचतीर्थी जो है वो रहेगा, टाइमिंग्स रहेंगी सुबह 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे और फिर 6 बजे। उसके बाद पंचतीर्थी से लेकर त्रिकुटा नगर तक का भी रूट रहेगा, उसकी टाइमिंग्स जो रहेंगी वो ये टाइमिंग्स हैं कि सुबह 8 बजे, 9:30 बजे, 11 बजे, 12:30 बजे, 2 बजे, 3:30 बजे, 5 बजे और लास्ट में 6:30 बजे। पंचतीर्थी से लेकर GMC विया जीवल जो है वो भी एक रूट रहेगा इन इलेक्ट्रिक बसेस का, टाइमिंग्स वही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सेम ही मोस्टली रहेंगी, सुबह 8 बजे, फिर 9:30 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12:30 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3:30 बजे, फिर 5 बजे और फिर 6:30 बजे। उसके बाद पंचतीर्थी से तालाब तिल्लो तक का भी रूट रहेगा यानी हमारे ऑफिस आने तक का भी रूट रहेगा और उसकी टाइमिंग्स जो रहेंगी वो रहेंगी सुबह 8 बजे,
फिर 9:30 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12:30 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3:30 बजे, फिर 5 बजे और फिर लास्ट में 6:30 बजे। उसके बाद आमफला से लेकर सुंजवा तक का भी रूट रहेगा इन इलेक्ट्रिक बसेस का, टाइमिंग्स सेम, सुबह 8 बजे चलेंगी, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे और फिर 6 बजे। उसके बाद जीवल चौक से लेकर दुर्गा नगर तक जो है वो रूट रहेगा, टाइमिंग्स रहेंगी सुबह 8 बजे, 9:30 बजे, 11 बजे, 12:30 बजे, 2 बजे, 3:30 बजे, 5 बजे और 6:30 बजे। उसके बाद आखिर में जो आखिर रूट रहेगा वो रहेगा आमफला से लेकर शास्त्री नगर तक, यानी कि जो पहला रूट था वही आखिर का भी रूट रहेगा और टाइमिंग्स मैं आपको पहले ही आमफला से शास्त्री नगर तक की बता चुकी हूँ। तो ये जितनी भी इलेक्ट्रिक बसेस हैं इन सब के रूट्स मैंने आपको बता दिए कि इन इन टाइमिंग्स पर ये इन इन जगहों पर चलेंगी। तो अब लोगों की उम्मीद यही है कि लगातार ये जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं जिसके कारण मेटाडोरों का भी जो किराया है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ऑटो वाले भी हैं वो उनके भी जो फेयर प्राइसेस हैं वो भी वो कम करने का नाम ले नहीं रहे हैं। तो अब लोगों की उम्मीद तो यही है कि ये जो इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी, जैसे कि आप जानते हैं कि ये बिजली से चलेंगी, तो उम्मीदें भी लोगों की यही है कि इनका जो किराया रहेगा वो जेन्युइन रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन नहीं इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन अगर जेन्युइन प्राइस हो तब। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी यही गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द इन इलेक्ट्रिक बसेस के जो फेयर प्राइसेस है, जो रेट लिस्ट है, वो भी जल्द से जल्द नोटिफाई कर दिए जाएं ताकि लोग जल्द से जल्द इस इलेक्ट्रिक बस का जो लुफ्त है वो उठाना शुरू कर दें। और आपको ये भी बता दूं कि अगर इन इलेक्ट्रिक बसेस के ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में 150 से 200 बसेस जो हैं वो चलेंगी।